यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि वे अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे। बता दें कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी वे राज्य मंत्री थे। इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग में कार्यों के बंटवारे और उनकी जानकारी के बिना ट्रांसफर पोस्टिंग से वे नाराज चल रहे थे। उन्होंने इसके लिए सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी की थी। राज्य मंत्री खटीक का आरोप है कि बतौर राज्य मंत्री विभाग में उन्हें कोई काम नहीं दिया गया है। उनके करीबी ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने विभाग के कुछ इंजीनियरों के तबादले की सिफारिश की थी, लेकिन एक का भी तबादला नहीं हुआ। मंत्री खटीक जब भी विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव को कोई आदेश देते थे तो वे जवाब देते थे कि आप पहले मंत्री जी यानी स्वतंत्र देव सिंह से बात कर लें। दिनेश खटीक की नाराजगी उस वक्त सामने आई जब सीएम योगी की अध्यक्षता में काबीना की बैठक होनी थी। इस बैठक में दिनेश खटीक नहीं आए थे। जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सोमवार को बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मुलाकात की थी। खटीक ने बंसल के सामने भी अपनी पीड़ा का इजहार किया था। दिल्ली से भी जब कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। वहीं योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद से भी नाराज बताए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में तबादलों में गड़बड़ियों पर कार्रवाई के तौर तरीके पर जितेंद्र प्रसाद काफी नाराज हो गए हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी की। वे इस मुद्दे पर आज यानी बुधवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखेंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल उठाए थे। डिप्टी सीएम ने स्थानांतरण नीति का पालन न होने की बात कही थी। उन्होंने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से जवाब तलब किया था। वहीं इस पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि बगैर मंत्री के हस्ताक्षर के किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता है। वहीं ट्रांसफर विवाद पर सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच कमेटी गठित की थी। भविष्य में ट्रांसफर को लेकर कोई विवाद पैदा न हो, इसको लेकर अब एक नई व्यवस्था भी बनाई जा रही है। इस विवाद में सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा था कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, मंडलीय भ्रमण के दौरान हमें विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों से संवाद कर सुझाव लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है।